ये अगर वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग के जो नुकसान हैं सारी दुनिया पे बहुत वाजहे हैं एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी ज़्यादा वाज़ नहीं हैं लेकिन उनका जो नुकसान होगा वो इतना ज़बरदस्त नुकसान होगा कि सबको फिर अभी तो खैर सोचते नहीं हैं ना लेकिन फिर सोचना ज़रूरी हो जाएगा उसके बग़ैर ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा बज़ इलाकों के अंदर और मज़े की मजे की बात तो नहीं लेकिन आयरॉनिक बात यह है कि ये वो जगहें हैं जहाँ पे जो जीडीपी बहुत हाई जीडीपी वाली कंट्रीज हैं यहाँ पे तो अभी तक तो जो जैसे पाकिस्तान है पैंतीस सौ डॉलर जीडीपी वगैरह पर कैपिटा वाले इनको तो वो कहते हैं चुगे में इनको तो भूल जाएं आप लेकिन अगर वो जैसे लंदन इंग्लैंड वगैरह पे जहाँ पे चालीस चालीस पचास पचास हज़ार डॉलर पर कैपिटा है जी वो उन पर अगर, अगर अफेक्ट करना शुरू हो जाए तो यकीन फिर वो कहेंगे कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए तो ये एक गल्फ़ स्ट्रीम वाला जो है अफेक्ट ऑन ऑफ गल्फ स्ट्रीम ये ऐसी चीज़ है कि जिसका अफेक्ट ऑन गल्फ स्ट्रीम ग्लोबल वार्मिंग का अफेक्ट गल्फ स्ट्रीम के वो मैं बताऊंगा कि क्या कैसे होता है ये तो ये इतना बड़ा आ, इतनी बड़ी चीज़ है और इसका अफेक्ट शुरू हो गया है ये नहीं कि एक थियोरेटिकल चीज़ है कि होगा उसका अफेक्ट शुरू हो चुका है अब उसके नुकसान देखें और देखें क्या इनको क्या कैसे कैसे सबक मिलेंगे तो दुनिया में जो टेम्परेचर चूँकि पानी ज़्यादा है सारा तो जो टेम्परेचर मॉड्रेशन होती है उसका एक तरीका पानी से पानी के ज़रिए है अब वो सीधी सी बात है अगर पानी एक जगह गर्म हो गया दूसरी जगह ठंडा है तो जहाँ ठंडा पानी है जहाँ गर्म पानी है वो चूँकि गर्म पानी हल्का होता है वो ऊपर आता है फिर वो ऐसा मूवमेंट शुरू हो जाती है पानी की ठीक है ना क्योंकि नेचर जो है वो हर चीज़ को इक्लेबरेट करता है हर चीज़ को बराबर करता है जैसे पहले टेम्परेचर की बात की थी हवा के ज़रिए वो अलग चीज़ है ये पानी के जरिए टेम्परेचर एक कैसे होती है वो ये ये पूरा बेल्ट दिखाया है सारी दुनिया में जहाँ जहाँ जो वो है ब्लू वाला है वो ठंडा पानी चल रहा है जो वाइट वाला है वो गर्म पानी चल रहा है तो जो गर्म पानी जो है वो ठंडा पानी गर्म हो आया उसने दूसरी जगह गर्म किया फिर वापस गया फिर गर्म हो आया फिर किस तरह से ये ये बेल्ट इसको कहते हैं ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट ऑफ टेम्परेचर तो टेम्परेचर इस तरह से सारी दुनिया का वो होता रहता है मॉडरेट होता है जो मैं आपको अटेंशन दिलाना चाहता हूँ वो जो अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो इलाका है ना वो जो एक वाइट है और नीचे से ऊपर जा रही है और ब्लू जो है ऊपर से नीचे आ रही है उसको देखें ज़रा अब वो जो टेम्परेचर ये वाइट वाला जो चलता है ये अमरीका के करीब आता है अमरीका के करीब वो जगह है जिसको कहते हैं गल्फ़ है ना गल्फ़ का टेम्परेचर हमेशा सत्तर अस्सी डिग्री फारेनहाइट के करीब रहता है ठीक है तेईस चौबीस पच्चीस जितना भी आप उसको हिसाब लगा लें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और भी कांस्टेंट है ये नहीं कि सर्दियों में सर्द हो जाए गर्मी में गर्मी बिल्कुल यही टेम्परेचर वो इक्वेटर के करीब होने की वजह से शायद उसको ये आसानी है तो वो उतनी जो गर्मी है वहाँ से निकलती है वो ये जो वाइट ऊपर जा रहा है ना ऊपर कहाँ तक जाता है वो यूरोप तक जाता है लंदन तक के जाता है वो सारा बल्कि ऊपर आप स्कैंडविया को देखें वहाँ तक भी पहुँच जाता है तो ये सारी गर्मी यहाँ से गल्फ़ से लेके ये स्ट्रीम गल्फ़ देखें आप अमेरिका के साउथ में और ऊपर ले जाएगा यूरोप के नॉर्थ में तो ये सारी गर्मी यहाँ से लेके ऊपर तक के दखे, लंदन तक के पहुँचाता है अगर ये किसी तरीके से बंद हो गई ये बेल्ट हाँ फिर क्या होगा फिर जो यूरोप का टेम्परेचर हम तो एक दो टेम्प डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे थे ना ग्लोबल वार्मिंग ये चार पाँच डिग्री उससे नीचे आ सकता है टेम्परेचर चार पाँच डिग्री के ना ये तो रोज़ इतना टेम्परेचर फ्लक्चुअल होता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है ये मैं सारे साल के एवरेज की बात बता रहा हूँ अगर चार पाँच डिग्री कम हो जाए ना यूरोप में नॉर्दन यूरोप में टेम्परेचर वहाँ रह नहीं सकते फिर लोग इतनी सर्दी हो जाएगी वहाँ पे तो या तो भागना पड़ेगा या फिर बंद होके बैठे रहें जैसे स्कैंडवियन इसके, इसके, पीपल करते हैं कुछ ऊपर जाके तो वो ये ये सारी गर्मी वहाँ जाती है फिर वो पानी वापस आता है गर्म होके फिर चला जाता है ऊपर तो ये चलता रहता है इस कसम का सिलसिला ये उसकी जो हीट मोशन जो है ना राइट हैंड पर देखें ये ऊपर जा रहा है सारी चीज़ें यूरोप तक के जितना जितना ज़्यादा लाल है उतना ज़्यादा गर्मी है और जो लेफ्ट साइड पे है वह नीचे आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है अच्छा तो ये ये चल रहा है अभी हाँ अब क्या होता है इसमें खतरा क्या है बंद होने का ऊपर अगर सबसे देखे ना राइट हैंड साइड पे ऊपर वाली जहाँ पे वो वाइट सा नजर आ रहा है ना वो आइसलैंड है और आइस कैप है वहां पे अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आइस मेल्ट होगी आइस मेल्ट होगी तो वो पानी इस, ये राइट हैंड साइड पे पूरा एटलांटिक ओशन है अब जो मेल्ट होगी वो नीचे आएगा पानी अब जो पानी जो मेल्ट होके नीचे आ रहा है ना वो प्योर पानी है उसमें नमक वमक नहीं मिला हुआ है वो बिल्कुल आ, आ, उसमें बिल्कुल सादा पानी है बहुत अच्छा पानी है ठीक है और जो पानी अटलांटिक ओशन का है वो सॉल्टी पानी है एक स्वीट वाटर एक सॉल्ट वाटर है सॉल्ट वाटर में चूँकि सॉल्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है है ना वो डेंसिटी बनने की वजह से अगर सिर्फ पूरा का पूरा सॉल्ट वाटर है कोई मसला नहीं वो चलता रहेगा ठीक है अगर ऊपर से ये पानी आया जो स्वीट वाटर है उसकी डेंसिटी कम है है ना तो उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये स्वीट वाटर सॉल्ट वाटर के ऊपर आ जाता है सॉल्ट वाटर के ऊपर आने की वजह से सॉल्ट वाटर जो है वो नीचे चला जा जाता है सारी गर्मी जो आ रही थी ना नीचे से वो ये सॉल्ट वाटर के थ्रू आ रही थी ये बेल्ट में जो गर्मी थी जो ऊपर गल्फ से लेके ऊपर नॉर्थ यूरोप तक के जाती थी अब जैसे ये स्वीट वाटर ऊपर आना शुरू हुआ वो सारे का सारा पानी नीचे चला गया तो वो बेल्ट बंद हो गई ये खतरा है अब वो पानी तो नीचे आना शुरू हो गया है ग्लोबल वो जो सी लेवल राइस तो कई जगह से उन्होंने देख लिया है कि फ्लोरिडा तक के सी लेवल राइस हो गया इसका मतलब है कि पानी ऊपर से जो चला है फ्लोरिडा तक के तो पहुंच गया है अब इसका मतलब है कि अगर थोड़ा सा और मेल्टिंग हुई ना ये सारा का सारा जो सॉल्ट वाटर है जो सारी की सारी गर्मी ऊपर ले जाता है वो बंद हो जाएगा तो अगर वो बंद हो गया तो फिर तो लंदन में रहना मुश्किल हो जाएगा जितने भी आपके कोई रिश्तेदार हैं उनको बताएंगे भाई लंदन छोड़ के कहीं और चले जाएँ फ्रांस जाए जर्मनी चले जाए लेकिन लंदन में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर लंदन में रहना मुश्किल हो जाए तो आप इमेजिन करें कि वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का क्या होगा नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वगैरह इन लोगों का क्या होगा ये तो बिल्कुल इनका इतनी सर्दी हो जाएगी कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा तो ये आई रिपोर्ट है इसी सिलसिले में भी और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है ये देखें कितना कार्बन डाईऑक्साइड हाइस्ट कॉन्सेंट्रेशन 420 के करीब तो मैंने आपको दिखाया था ना कि पिछले साल के इन दिनों की बात थी पिछले साल के 2022 की बात कर रहा हूँ आप जाके आज देखें क्या है वो 420 से भी ऊपर होगा वो तो ये सा, हर साल बढ़ती जा रही है हर साल इतना इतना ज़्यादा होता है दो मिलियस ईयर्स के अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं हुई थी टू मिलियन ईयर्स में जितनी अभी है इस वक्त है सी लेवल राइज तीन हज़ार में जितना तेज़ी से बढ़ रहा है उतना तेज़ी से कभी नहीं बढ़ा था ऐसे बढ़ता था ऐसे फिर अब एकदम से ऐसे हुआ था मैंने आपको एक मॉड्यूल में दिखाया था किस तरह से सी लेवल राइज हो रहा है आर्किटेक्ट सी आइस एरिया जितनी भी मेल्टिंग हो रही है उसका श्रिंक हो रहा है आइस कैप वो एक हजार साल में जितना कम हुआ था ना पुछले एक हजार साल तक से अभी तक के नहीं हुआ ये सारे आईसी के नंबर हैं जो उनकी अभी रिपोर्ट आई है दो के अंदर अब ये जो ग्लेशियर मेल्टिंग की आपके मैं बताई थी ग्लेशियर रिट्रीट 2000 साल में इतना जितनी मेल्टिंग अब उन्होंने कभी नहीं देखी तो ये सारी चीजें बहुत ही एक्सट्रीम हो गई ना ये बड़ी आसान सी एग्जांपल है हर चीज हर शख्स के समझ में आना चाहिए तो निन्यावे फ़ीसद की समझ में आ गया है वो एक फ़ीसद जिनकी समझ में नहीं आया ना वो इतफ़ाक़ से वो ऐसे लोग हैं जो कभी कभी पावर में आ जाते हैं तो वो पॉलिसी को बिल्कुल उल्टा सीधा कर देते हैं फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है और ये कि बहुत सारी ऐसे ये तो वो जो क्या कहते हैं आँख ओझल पहाड़ ओझल तो ये तो उस वक्त की बात थी जब पहाड़ ओझल था अब तो पहाड़ बिल्कुल सामने ये सारे पहाड़ हैं सब नज़र आ रहे हैं बड़ी आसानी से कि ये कितने सारे हैं तो अब ये ओझल तो नहीं है आँखों से लेकिन फिर भी अगर कुछ ना किया जाए तो उसकी पॉलिटिकल वजह है उसका एक रिलीजस भी वजह है रिलीजस वजह यह है कि दुनिया तो दुनिया में तो रहना नहीं है आखिरत की बात है तो सारे काम आख़िरत के लिए होता है तो दुनिया को तो खैर आबाद कर दें तो ये कुछ ये हमारे रिलीजन में नहीं हर रिलीजन में ये एक ये है कि दुनिया तो एक स्टेपिंग स्टोन है ना जाना तो वहाँ आखिरत में है तो अगर स्टेपिंग स्टोन है दुनिया तो उसकी क्यों इतनी ख़ातर तारी की जाए लेकिन अगर आप कुरान शरीफ़ को पढ़ें बाइबल को पढ़ें किसी भी पढ़ें तो उसमें यकीनन बड़े एक्सप्लेसिटली बताया कि एक जिम्मेदारी है आपकी ये कि उसको आप साफ़ रखें उसको सुथरा रखें अतरन ईमान या ता, 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 ताँगा ताँगा तो तहारत सफ़ाई तो आधा है ईमान का हिस्सा वो सफाई है ही सारी एटमोसफियर की सफाई ज़मीन की सफाई दुनिया की सफाई अपनी सफाई ये सारी सा, उसी सफाइयों में आ, सारी चीज़ें हैं मौजूद और है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देखें आप अब वो कहते हैं कि अगर हमें ये जितना वन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड जो लेफ़्ट साइड पर दिखा हुआ है ना इससे अगर ज़्यादा जाएंगे ऊपर फिर तो कोई बचने के कोई गुंजाइश ही नहीं है और ये बचना का मतलब ये नहीं कि अगले पचास साल में बचने का मतलब अगले बीस साल के अंदर इतना ए, इ, इस ये नौबत आ गई है कि अब पंद्रह बीस साल के अभी हालात तो सब सामने इतने सारे आपने देखे पिछले दो हज़ार बाईस के सैलाब देखे हैं और सारे सैलाब देखे तो ये सब अभी होता जा रहा है अब यहाँ से आगे चलने का क्या तरीका है ये अगर ये जो लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वेरी लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ये एक दो चीज़ें जो नीचे वाले ऑप्शन है ना इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जिसके अंदर से कोई ऐसी सूरत निकल आए कि हम उसको ज़िंदगी बरकरार रखें यहाँ यहाँ पे तो ये जो अभी नई ताज़ा तरीन दो हज़ार इक्कीस की जो आई पी सी सी इंटरनेशनल प्लेमेट फॉर क्लाइमेट कंट्रोल एंड यू एन का जो है उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें आप देखें कि ये जितना ज़्यादा रेड होता जाएगा वो उत, सारी वो, वो जी दुनिया में उतनी ज़्यादा वो गर्मी देखें उसके हिसाब से वन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड वो सारी दुनिया कम अज़ कम ऐसा तो है कि वहाँ रह सकते हैं अगर दो डिग्री तक के हो जाए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और चार डिग्री गई तो फिर भूल जाए इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी कि बिल्कुल वहाँ तक के रहना मुश्किल हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा गर्म चेंज होना आँखों के सामने ये कोई वो क्या कहते हैं जियोलॉजिकल फिनिना तो नहीं कि मिलियंस ऑफ़ ईयर्स में इतना चेंज हो ये तो बिल्कुल अट्ठारह से शुरू हुआ और अब तक के देखें कितना कितना ज़्यादा बढ़ गया आँखों के सामने ये सारी चीज़ें हमने दे अपनी देखी भाली हुई हैं तो इनको समझ के ज़रा सा सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे आगे गुजारें ये आखिरी वक्त में आखिरी मॉड्यूल में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास आगे जाने के लिए